फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। दिल्ली मुंबई में कोरोना की रफ्तार तीसरी लहर की आशंका तेज, जारी रहेगा डॉक्टरों का प्रदर्शन। फोर्डा ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री का जवाब असंतोषजनक। दूसरी बार पिता बने पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान। भारत ने साउथ अफ्रीका को आधे दिन में किया ऑल आउट। अगले साल से मिलेगी 5G सर्विस, दिल्ली मुंबई जैसे 13 शहरों से होगी शुरुआत। देश में कोरोना एक बार फिर से अपनी रफ्तार पर है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 496 नए मामले सामने आए। कई महीनों बाद दिल्ली में मामले भी तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। संक्रमण दर में भी इजाफा हो रहा है। बढ़ते मामलों की वजह से अब दिल्ली में कई पाबंदियां भी लागू कर दी गई है। इस समय राजधानी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 165 मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी कोरोना बेकाबू हो गया है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1377 नए मामले सामने आए। पिछले कई दिनों से 1000 से कम मामले दर्ज करने वाली मुंबई ने एक बार फिर से आंकड़ों में बढ़ोतरी दिखा दी है। बढ़ते मामलों के अलावा एक शख्स की कोरोना से 24 घंटे के अंदर मौत हो गई है। दूसरे राज्यों में भी मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में 619 केस दर्ज किए गए हैं और 6 लोगों की जान चली गई है। नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी को लेकर पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ 28 दिसंबर को बातचीत की। बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद फोर्डा ने प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया है। फोर्डा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के बीच निर्माण भवन में बैठक हुई, लेकिन डॉक्टरों के संगठन ने कहा कि उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। पुलिस ने 27 दिसंबर को अपनी ओर से लाठीचार्ज या किसी भी आरोप से इनकार किया है। कहा है कि 12 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर इरफान पठान एक बार फिर पिता बन गए हैं। इरफान पठान ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी। इरफान ने अपने दूसरे बेटे का नाम सुलेमान रखा है। पहले बेटे का नाम इमरान खान पठान है। इमरान पठान का जन्म दिसंबर 2016 में हुआ था। इरफान के दूसरे बेटे सुलेमान का जन्म भी दिसंबर महीने में ही हुआ है। टीम इंडिया के लिए 100 से ज्यादा वनडे खेल चुके इरफान पठान ने ट्विटर पर लिखा, सफा और मैं अपने दूसरे बच्चे सुलेमान खान का इस दुनिया में स्वागत करते हैं। माँ और बेटे दोनों स्वस्थ हैं। बता दें कि 2003 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले इरफान पठान कुछ समय पहले अपने क्रिकेट करियर से संन्यास ले चुके हैं। 37 वर्षीय इरफान पठान ने भारतीय टीम के लिए 29 टेस्ट, 120 वनडे और 24 T20 मुकाबले खेले हैं। इरफान ने टीम इंडिया के 2003 ऑस्ट्रेलिया दौरे से अपना टेस्ट और वनडे करियर शुरू किया था। इरफान पठान 2007 T20 विश्व कप विजेता टीम के भी सदस्य रहे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन टेस्ट का तीसरा दिन बल्लेबाजों के लिए घातक साबित हुआ। पहले दिन शानदार बल्लेबाजी करने वाली भारतीय टीम ने पहली पारी में अपनी आखिरी 7 विकेट महज 49 रनों पर गवाए और उसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम सिर्फ 157 रनों पर ऑल आउट हो गई। हालांकि तीसरा दिन भारत के ही नाम रहा। टीम अभी 146 रनों से आगे है। पहली पारी में 5 विकेट लेने के साथ ही मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे कर लिए। 4G के बाद अब भारत 5G के लिए भी तैयार हो गया है। केंद्रीय दूर संचार विभाग ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि 5G सर्विस अगले साल से मिलने लगेगी। इसकी शुरुआत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे मेट्रो और गुरुग्राम, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे जैसे बड़े शहरों से होगी। सरकार अगले साल मार्च अप्रैल में 5G स्पेक्ट्रम नीलाम करेगी। 5G आने के बाद मोबाइल फोन की दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक 5G की स्पीड 4G से 10 गुना तेज है।